नमस्कार, ड्राइंग एंड म्यूजिक की स्वरालेख चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक फ्लूट में बढ़त एक एक स्वर चढ़ता हुआ उसकी एक तान देखेंगे, बढ़त तान। तो पहले वो एक एक स्वर अप जाता है, फिर अवरोह आता है, जैसे कि 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1, इस तरह से अप जाता है, इस तरह से अवरोह में भी। तो ये हम प्रैक्टिकल देखेंगे। पहले सिंगिंग करके मैं समझाता हूँ। सा रे ग रे सा सा रे ग म ग रे सा सा रे ग म प म ग रे सा सा रे ग म प ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नि सा। अभी ऊपर वाले सा पीक पॉइंट पे गए, फिर सा से इस तरह से एक एक स्वर अवरोह में लेने के। सा सा नि सा सा नि द नि सा सा नि द प ध नि सा सा नि द प म प ध नि सा सा नि द प म ग म प ध नि सा सा नि द प म ग रे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे सा। इस तरह से ये प्रैक्टिस का है बढ़त तान। तो प्रैक्टिकली हम देखते हैं, जी की बेस फ्लूट है, हमने मध्य लय में ये बढ़त तान देखी। अभी थोड़ी लय बढ़ा के देखते हैं।
तरह से जी बास की फ्लूट में बढ़त तान एक एक स्वर को चढ़ाते हुए अभी खड़ी फ्लूट में मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये फ्लूट सभी पसंद नहीं करते हैं कि डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल फ्लूट ही सीखो, लेकिन ये चैंटिंग के लिए बेस्ट है। म्यूजिक की पहली दो एग्जाम जो 8 राग तक की खड़ी फ्लूट में देनी चाहिए, बाद में प्रवेशिका पूर्ण के बाद हॉरिजॉन्टल आड़ी फ्लूट लेनी चाहिए। लेकिन सभी क्या करते हैं कि डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल फ्लूट लेके ब्लो लगाते हैं, तो उसमें कई प्रकार की दिक्कत आती है कि समझो ब्लो लगा सके तो फिंगरिंग नहीं होती है, और फिंगरिंग होती है तो ब्लो नहीं हो सकती है, कभी सायरन बजती है, कैसा सिटी जैसा आवाज़ सुनाई देता है। तो ये वर्टिकल फ्लूट है सी की, मैं उसमें ये तान बढ़त तान आपको दिखा रहा हूँ, डेमो दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं, और कुछ आपका कमेंट हो तो जरूर लिखना। थैंक यू।